नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप किसी भी हायर लेवल पर पोजीशन पर गवर्नमेंट जॉब है, आईएएस है, आईपीएस है, या फिर किसी भी कंपनी में सीईओ है, मैनेजर है, ऐसी कुछ हायर लेवल की पोजीशन पर अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी बर्थ डेट में कौन से नंबर होने चाहिए, उससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिना मेहनत तो कुछ हासिल नहीं होता है, इसलिए मेहनत तो आपको जरूरी जरूर से करना है, हार्ड मेहनत जरूर से करनी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ नंबर, कुछ ग्रहों की एनर्जी, कुछ नंबर्स की एनर्जी अगर आपको मिल जाती है तो सोनों पे सुहागा हो जाता है। तो अगर आप भी उस तरह की जॉब पाना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डेट लिख लीजिए, और हाँ ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर जरूर से निकालिए, जिसको भाग्यांक और मुलाक कहा जाता है। मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, मेरी यूट्यूब चैनल पर लोसू ग्रिड में सभी वीडियो फ्री में मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब जैसे कि आईएएस, आईपीएस, सीईओ, मैनेजर, ठीक है, इस तरह की कुछ हायर लेवल की जॉब अगर आप चाहते हैं तो आपकी बर्थ डेट में 1 और 3, यानी 1 यानी कि सूर्य, 3 यानी कि जुपिटर, अगर ये दो नंबर है, यानी कि इन दोनों की एनर्जी, ग्रहों की एनर्जी अगर आपको मिल रही है और साथ ही साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको ये जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर 5 नंबर है तो एक्स्ट्रा एडिशन आ जाएगी, 5 यानी कि बुध है, अगर ये तीनों साथ में तो और भी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और कुछ केस में देखा भी गया है कि अगर 4 नंबर भी है तो भी चांसेस लगता है, ठीक है, यानी 1, 3, 5 है तो मान लीजिए इसके साथ साथ हार्ड वर्क मिल जाता है ना, तो फिर आपके ये जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, आईपीएस या फिर बड़ी कंपनी में सीईओ, मैनेजर की पोस्ट, ये आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज्यादा, सबसे ज्यादा चांस आपके रहेंगे एज कंपेरिजन दूसरे नंबर के, या 2 नंबर है, 6 नंबर है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में अगर आप में ये नंबर है तो आपको चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। मैं आगे और भी वीडियो बताता रहूंगा, ठीक है, लोसू ग्रिड न्यूमरोलॉजी के बारे में। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, पास में दिए बेल आइकन को जरूर से दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।